तंडीला मागे पाठव. ए पाटील, बॉडीला पोस्टमार्टम साठी पाठव ना. According to the reports, victim के शरीर पर कुछ marks पाए गए हैं, जिसका मतलब victim को carry किया गया था. और report के मुताबिक शरीर पर कुछ blues भी पाए गए हैं, जिसका मतलब the victim had indulged in a fight before her death. Okay. गुड मॉर्निंग, व्हाट इज द अपडेट ऑन द केस? सर इन्वेस्टिगेशन चालू है और सीसीटीवी फुटेज आना बाकी है. क्या अब तक केस इतना ही आगे गया? हाँ सर. ओह माय गॉड. अपॉइंट सीनियर इंस्पेक्टर भोसले राइट नाउ. ओके सर, डूइंग दैट. अभी तक फोन एक्टिव नहीं हुआ है. अरे बड़ी आदमी है कौन? भोसले सर ने हमें इसके पीछे क्यों भगाया है? अबे छोड़ ना, बाद में बताएंगे सर. अभी देख फोन एक्टिव हुआ. हाँ. भोसले सर को इन्फॉर्मेशन सेंड किया है. हाँ, कॉल करो. हाँ सर, फोन ट्रेस हो गया. यहाँ पे जिसका पीछा हुआ जा रहा है वो है शेट्टी. ये हमारी टीम में रिसेंटली ज्वाइन हुआ था. इंस्पेक्टर भोसले चावी गए. के भाग क्यों रहा था बे? पुलिस वाला पीछे पड़ेगा तो भागूंगा ही ना. वो प्रूफ का क्या सीन है? कौन सा प्रूफ? वही प्रूफ जो तावड़े ने सावन से चोरी किया था. सर हुआ ये कि वो वीडियो RS7 यूट्यूबर के पास आपको मिल जाएगा. ठीक है, तू जा सकते. हेलो जयेश. हाँ हेलो भोसले सर. मुझे RS7 यूट्यूबर का सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका नाम, एड्रेस, नंबर सब. हाँ सर, थोड़ा टाइम लीजिए, मैं करता हूँ. ठीक है, हो गया तो भेजिए. हेलो. यू हैव बीन अपॉइंटेड ऑन द रीसेंट मर्डर केस. इस केस का पहले से इंचार्ज कौन है? इंस्पेक्टर तावड़े. कहाँ पहुँचना है? डिटेल्स हैव बीन सेंट ऑन योर फोन. ठीक है. ए लाइट चालू कर. विक्टिम की लाश हमें यहाँ पे मिली. तो फिर क्या अपडेट्स है? फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से विक्टिम को यहाँ पे कैरी करके लाया गया और विक्टिम के बॉडी पे हमें हाथापाई के निशान भी मिले और उसे गला घोट के मारा है और पीछे हमें यहाँ पे एक नाइफ भी मिला है, वहाँ पे खून लगा है नाइफ पे. तो फिर दौड़े क्या लगता है, क्या होगा? किलर विक्टिम को मार के लेके आया होगा, किलर अपना कुछ काम कर रहा होगा, तभी कोई तो तीसरा आदमी आया होगा और उसको कुछ गड़बड़ लगा होगा.
तो उस वक्त उस तीसरे आदमी और किलर के बीच में हाथापाई हुई होगी। सो या तो नाइफ पे किलर का खून हो सकता है या तो उस तीसरे आदमी का। तो मुझे लगता है उस हिसाब से यहाँ पे और एक लाश मौजूद होनी चाहिए, तो उसका सर्च चालू है। इंटरेस्टिंग। हाँ हेलो, क्या? ठीक है देखता हूँ। क्या हुआ? फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से हमें जो नाइफ मिला था वहाँ पे उसके ऊपर विक्टिम के फिंगरप्रिंट के निशान है और खून किसी और का है। अच्छा, तो तावड़े मेरे को लगता है विक्टिम को ना यहाँ पे सीडेट करके लाया गया, फिर किलर अपना कुछ काम कर रहा होगा तभी विक्टिम को होश आ गया। विक्टिम ने नाइफ से किलर को स्टैब किया और वो नाइफ विक्टिम ने हमें मिले इसलिए उसने चालाकी से छुपा दिया। फिर दोनों के बीच में हाथापाई हुई और किलर ने विक्टिम का गला घोट दिया। मुझे लगता है यही हुआ होगा। सीसीटीवी फुटेज आया? नहीं, आ रहा है। आ रहा है क्या होता है, चलो हम लोग जाके देखते हैं। पुलिस के साथ किसी ने छेड़खानी की है। यहाँ पे सीसीटीवी का इंचार्ज कौन है? लेडी कहीं घूम रहा है। वो ही है क्या? हाँ। वो जा रहा है। रुक।